बिहार पुलिस ने 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने की घटना का खुलासा कर 6 अपराध कर्मी को किया गिरफ्तार। बिहार के वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र में बरबन्ना अगरपुर निवासी फर्नीचर व्यवसायी धर्मेंद्र शर्मा से कॉल के माध्यम से अज्ञात व्यक्ति द्वारा 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई। न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक वैशाली के निर्देश पर टीम बनाया गया और उक्त अपराधी को गिरफ्तार किया गया। इसमें पंकज कुमार उर्फ टाइगर राय, रामशंकर राय, कुणाल कुमार, अनिल कुमार राय, अनिल उर्फ भोला, प्रमोद राय को गिरफ्तार किया गया। घटना में पुलिस मोबाइल सिम कार्ड भी बरामद कर लिया गया है। इस संपूर्ण घटना का मास्टरमाइंड जेल में बंद रोशन कुमार रोशन तात्या एवं उसका सागिर्द प्रिंसिपल अभिजीत है। उस मामले की पुष्टि वैशाली के पुलिस अधीक्षक ने किया है। हनी और प्रमोद दिल्ली का है और बाकी सभी वैशाली का ही है। जुलाई को लालगंज थाना क्षेत्र के एक व्यवसायी से कुछ रंगदारी की मांग की गई थी, जिसको लेकर के यहाँ पे एक SIT का गठन किया गया था, जिसमें कि DIO की टीम और लालगंज थाना की टीम लगी हुई थी, जिसमें कि टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए कुछ अपराधकर्मियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इसमें कल एक इंसिडेंट हुआ जिसमें कि गोली चलने की भी बात आई। वहाँ पर कुछ मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधकर्मी गोली फायरिंग की इंसिडेंट को वहाँ कागज किए। इसी दौरान पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही थी। कार्रवाई के क्रम में जो रंगदारी मांगने के क्रम में जो लोग भी सम्मिलित थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। कुल 6 अपराधकर्मियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जो रंगदारी मांगने के लिए मोबाइल इत्यादि का इस्तेमाल हो रहा था उसे भी जब्त किया गया। तो उसमें महत्वपूर्ण साक्ष्य भी एकत्रित हुए हैं। जो मामले का खुलासा हुआ है उसमें यह पता चला है कि जेल में बंद 2 अपराधकर्मी रोशन कुमार और प्रिंस कुमार यहाँ एक बेऊर जेल में बंद है और एक वेस्ट बंगाल के जेल में अभी बंद है। इन दोनों द्वारा जेल में रहते हुए यह योजना बनाई थी रंगदारी मांगने की, जिसके तहत दिल्ली के कुछ अपराधकर्मियों से इनका संपर्क हुआ था और उनके माध्यम से कॉल करवाया जा रहा था और कॉल करवा के यहाँ लोकल लालगंज के कुछ अपराधकर्मी हैं जिनके माध्यम से इसमें सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा था। तो पूरे मामले का खुलासा एक तरह से हुआ है और किस प्रकार से इनके द्वारा कार्य किया जा रहा था, जो आगे का प्लान था उसके बारे में भी खुलासा हुआ है। कुल 6 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए, जिसमें से कि 2 दिल्ली के अपराधकर्मी हैं और 4 यहाँ लोकल जो उनके सपोर्ट में थे उन लोग को गिरफ्तार किया गया है। मामले का खुलासा में 4 अन्य अपराधकर्मियों के घटना में शामिल होने की बात आई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है से कि उनकी भी गिरफ्तारी। जो गिरफ्तार हुए उनका आपराधिक इतिहास भी है। एक के विरुद्ध दिल्ली में लूट की घटना का एक कांड दर्ज है, अन्य के विरुद्ध भी है आपराधिक इतिहास, जो हम डिटेल अभी